ना तो प्राइवेट में रोजगार मिल रहा है ना सरकारी मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं युवाओं को रोजगार मानचित्र में खींची हुई है बाकी तो बावल और हमारे गाँव में कोई फर्क नहीं है बिल्कुल बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है शिक्षा में कोई काम नहीं हो रहा है हमारी ये एजेंडा रहेगा कि शिक्षा में हम इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे बनवाएंगे और सड़क पानी बिजली की हम पूर्ति करवाएंगे बाउल से अगर मेरे को टिकट भी नहीं मिलता है तो मैं बाउल में लगातार पार्टी के लिए वहां पे मेहनत करूंगा और जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको जिताने का काम करूं। मैं करूंगा नमस्कार मैं हूँ शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा आज हमारे साथ है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम टीकार के भाई मुकेश जूली जो लंबे समय से बावल में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं लेकिन इनका गांव राजस्थान के काठूवास में है आज हम इनसे जानेंगे इनकी राजनीति के बारे में सर सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है आपका धन्यवाद सर आप सबसे पहले यही बताइए कि आप राजस्थान में आपका गाँव काठूवास गाँ गाँ है लेकिन आपने बावल को राजनीतिक करम क्यों चुना मैंने बावल को इसलिए चुना क्योंकि मेरा बचपन और मेरा जो शुरुआत हमारी यहाँ से होती है बिल्कुल बॉर्डर से होती है सारी चीज़ें हमारी बाउल से ही हुई मेरा जन्म भी यहाँ से कुंड में ही हरियाणा में ही बाउल में हुआ आ, मेरी सिस्टर भी हरियाणा में ही है यहीं बाउल विधानसभा में ही है और हमारी सारी रिश्तेदारियाँ जो भी हैं वो पूरी हरियाणा में है हमको लोग बल्कि हरियाणा का मानते हैं ना कि राजस्थान का मानते हैं इसलिए ये क्षेत्र एक रिज़र्व सीट होने के नाते मैंने मेरे नज़दीक पड़ती है तो मैंने इसको यहाँ पे सेवा करने का मौका मैं ढूंढ रहा हूँ आप लंबे समय से बावल में घूम रहे हैं आपने समस्याओं को जाना होगा देखा होगा तो कौन सी ऐसी समस्या है जिनको लेकर आप कह रहे हैं कि मैं उनको सोल्व करूंगा आगे चलकर यहाँ मैं घूम रहा हूँ काफी टाइम से मैं देख रहा हूँ जिस तरह से युवाओं के साथ जिस प्रकार से इस सरकार ने कोई स्थानीय युवाओं को ये रोजगार यहाँ पे कंपनियों में दिलवा नहीं पा रहे सबसे जो ज्यादा यहाँ से परेशान है वो युवा है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है ना तो प्राइवेट में रोजगार मिल रहा है ना सरकारी में मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मैं युवाओं को रोजगार दिलवाऊँ और यहाँ के क्षेत्र में जितने बेरोजगार युवा हैं उनको नौकरी का मौका मिले मुकेश जुली जी ये बताइए कि जैसे आप बावल में अगर चुनाव लड़ेंगे तो अक्सर राजनीति में ऐसा होता है कि भारी और स्थानीय मुद्दा उठाया जाता है तो ये मुद्दा आपके लिए नहीं उठेगा क्या ये इशू नहीं बन सकता नहीं ये इशू बनेगा नहीं क्योंकि मानचित्र में एक लकचीर खींची हुई है बाकी तो बावल और हमारे गाँव में कोई फर्क नहीं है बिल्कुल बॉर्डर से लगता हुआ एरिया है और मैंने जैसा कि बताया पूरा बचपन और पूरा आज तक की उम्र में हम ज्यादा ही, ही हैंगा तो है? जी है नीलम नीलम भगवाड़िया जी है, निलंग, निलंग जी है। तो इनके आगे आपकी दावेदारी कितनी मजबूत होगी देखो वो अपनी जगह दावेदारी कर रहे हैं बाकी नीलम जी पहले निर्दलीय चुनाव लड़ी थी पिछला पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़ी थी और उनको ज़्यादा वोट भी नहीं मिले थे तो वो अपनी दावेदारी करेंगे रंगा जी काफ़ी समय से लड़ रहे हैं दो बार से चुनाव जीत नहीं पाए हैं शायद वो तो वो अपनी दावेदारी करेंगे मैं एक जनता जो कह रही है कि आप एक युवा चेहरा देखना चाहती है जो नया चेहरा बाउल को देखना चाहती है जिस प्रकार से तीस साल से कांग्रेस यहाँ से जीत नहीं पाई है तो युवाओं को और पूरे क्षेत्र को उम्मीद है कि एक युवा यहाँ के क्षेत्र में कांग्रेस से टिकट लेके आए और जीत के जाए हमारी विधायक है जो भी प्रेजेंट में बावल से बनवाई लाल जी उनसे बात हुई है तो उन्होंने भाजपा की कई उपलब्धियों को गिनवाया है जैसे सड़क हो गई महिला महाविद्यालय हो गया और एम्स की कई उपलब्धियां गिनवाई है कांग्रेस का क्या एजेंडा है आगे के लिए देखिए उन्होंने जो उपलब्धियां गिनवाई है आप देख रहे हैं जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से रोज अत्याचार हो रहे हैं आप देख रहे हैं रोज अखबार देखिए कितनी हत्याएं यहाँ हो रही हैं कानून व्यवस्था पूरी चौपट है आप सड़कों की वो कह रहे हैं आप क्षेत्र में जाके देखिए सड़कों की हालत बज्जर बनी हुई है शिक्षा में कोई काम नहीं हो रहा है हमारी ये एजेंडा रहेगा कि शिक्षा में हम इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ पे बनवाएंगे और सड़क पानी बिजली की हम पूर्ति करवाएंगे मेरा आखिरी सवाल है अगर बावल से आपको टिकट नहीं मिल पाती है तो क्या आप बावल में वहाँ पर सक्रिय रहेंगे नहीं मैं बिल्कुल बाउल से अगर मेरे को टिकट भी नहीं मिलता है तो मैं बाउल में लगातार पार्टी के लिए वहाँ पे मेहनत करूंगा और जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसको जिताने का काम मैं करूँगा ओके okay, धन्यवाद